उत्तरकाशी में साधु संन्यासियों और गंगा के साथ जुड़े तमाम संस्थाओं ने मांस मदिरा की दुकानों को हटाने को लेकर राज्य सरकार के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने धार्मिक नगरी में मांस और मदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर मांग की है। वहीं धार्मिक संगठन के लोगों का कहना है कि हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है कि मांस की दुकानें भागीरथी नदी तट से 100 मीटर की दूरी के बाहर हों। इसके साथ ही उत्तरकाशी नगर को धार्मिक नगरी घोषित हो, इसके लिए ज्ञापन राज्य सरकार को भेजा गया है। यहीं पर बूचड़ और मदिरा मांस का यहाँ पर खुला व्यापार होता है, तो एक क्षणिक कहते हैं कि एक बहुत ज्यादा एक लालच के लिए अगर हम लोग इस तरह से एक यहाँ पर इस तरह का गलत जो यहाँ पर जो परंपरा है उसको अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो कहने के इसे ये धर्म के प्रति और हमारे सनातन संस्कृति के प्रति कुछ हारघात है। इसलिए आज यहाँ पर माँ गंगा और यहाँ के साधु संत समाज, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के कीर्तन मंडली सभी लोग आज यहाँ पर आ रहे हैं। गंगा जी के तटों पर जो पिछले कई वर्षों से प्रशासन के सह में बूचड़ खानों का संचालन किया जा रहा है, हम लोगों ने कई बार ज्ञापन भी सौंपा है, उसके अल्टीमेटम भी दिए, लेकिन प्रशासन ने कोई भी सुध नहीं लिया। तो उसके बाद हम लोगों ने कदम उठाया कि आज जो है गंगा जागृति यात्रा, इसमें आप पीछे देख सकते हैं मेरे तमाम साधु संत समाज है और इसमें श्रीराम सेवा दल के साथ साथ सभी हिंदू संगठन इसमें मौजूद है। पहले हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा था मीट इसे इसको प्रतिबंध कराने के लिए, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई इसमें सुध नहीं ली, ध्यान नहीं लिया, तब जाकर इसको एक अभियान का रूप दिया गया। अभी अभियान के रूप में हम इसमें काम कर रहे हैं।